इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाहूंगा यूपी विधानसभा जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव, सभी पार्टियों की निगाहें अयोध्या पर भी टिकी हैं। यही वजह है कि सभी पार्टियां अपना सियासी सफर अयोध्या से शुरू कर रही हैं। बड़ी खबर यह है कि आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा रामनगरी अयोध्या पहुंच रही है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी होंगे। इस दौरान दोनों नेता हनुमान जी और रामलला के दर्शन भी करने वाले हैं। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। साधु संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिर अगले दिन यानी कल पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकलेगी। रुचि, अयोध्या हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है, भगवान राम की जमीन है, लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन अब सियासी जंग की भी शुरुआत वहीं से हो रही है। पहले अभी हमने ओवैसी को भी जाकर के अयोध्या जिले में रुदौली से शुरुआत करते देखा, अब आज मनीष सिसोदिया होंगे अयोध्या में। क्या पैगाम देने की कोशिश हो रही है? देखिए, ओवैसी के पहले सतीश मिश्रा मायावती के साथ बिल्कुल उत्तर प्रदेश तो पहला सम्मेलन अयोध्या में किया। सतीश मिश्रा गए, हनुमानगढ़ी, रामलला के दर्शन किए, अपना मथा टेका, आशीर्वाद लिया। तो जाहिर है कि आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है राम मंदिर, क्योंकि बीजेपी बताएगी कि उसकी सरकार में जो बरसों से लोगों को भक्तों को इंतजार था, वो मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है, उसका निर्माण चल रहा है। तो अपोजिशन कहीं पीछे नहीं देखना चाहता है कि वो भी राम भक्त है, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल। और संजय सिंह तो उन लोगों में है रुचि जिन्होंने जमीन खरीद को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े किए थे, अब आज जब वो वहां पर होंगे तो क्या उस तरह की बातें भी होंगी, हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही, पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।